नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर आपको वर्ष में आने वाले सभी व्रत एवं त्योहारों के बारे में पहले ही बता दिया करता हूँ। होली का त्योहार इस साल कब पड़ रहा है, क्या उसको मना लेने की विधि है, किस समय होलिका दहन हो रहा है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बारे में आपको पहले ही वीडियो दे चुका हूँ। यदि आपको अभी तक वह वीडियो नहीं मिला है तो ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सीधे उस वीडियो पर चले जाएं और जानें कि क्या है होलिका इस साल विशेष, कब पड़ रही है होली। 17 तारीख को छोटी होली यानी कि दुल्हनडी आपको मनानी होगी 18 तारीख को, और छोटी होली 17 मार्च के दिन पड़ रही है, पूर्णिमा के दिन। साथ ही साथ आज का यह वीडियो है विशेष उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में लगातार पिछड़ रहे हैं, और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इस साल 17 मार्च यानी के बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या कर लेना है, भगवान श्री गुरु यानी के बृहस्पति को मना लेना है। किस प्रकार बृहस्पति जो कि देवगुरु हैं, और बृहस्पतिवार के दिन ही पड़ रही है फागुन मास की पूर्णिमा, और विशेष उपाय भी इसी बारे में है। गुरु को मना लेना है यानी के पढ़ाई के देवता को मना लेना है। मित्रों, आज के दिन जो छोटे छोटे बालक पिछले 2 सालों से अभी तक अपने स्कूलों को नहीं जा पा रहे हैं, बार बार स्कूल बंद हो जाया करते हैं या फिर स्कूल खुले ही नहीं हैं, कोविड की वजह से या किसी भी अन्य वजह से स्कूल जाना मुश्किल पड़ गया है और पढ़ाई में लगातार पिछड़ रहे हैं, उनके लिए है यह उपाय। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, उनके लिए भी विशेष यह उपाय रहेगा। कर लेना है यह है कि होलिका मैया को जब आप जाते हैं पूजने, तो आपको गुंजिया जो बनती हैं आपके घरों में गुजियां, उनको लेकर जाना है, उनके साथ लेकर जानी है आपको। ध्यान से सुनिएगा, 7 इलायची और 5 लौंग, फूल वाली लौंग ले लेनी है और 7 इलायची ले लेनी है, और गुंजिया के साथ इनको चढ़ा देना है होलिका मैया को, और उसके बाद 7 फेरे लेकर आप घर को आ जाएं वापस। और अगले दिन जब होलिका मैया शांत हो जाए तो उनसे निकली भस्म यानी के राख को ले लेने के बाद आपको थोड़ी सी राख ले लेनी है, उनमें से मानकर चले 5 चुटकी आपको ले लेनी है होलिका मैया की राख, और उसको शुक्रवार के दिन यानी दुल्हनडी होली खेलने वाले दिन ही परेवा का दिन होता है, आपको उस राख को पीले रंग के वस्त्र के अंदर रख लेना है। सिर्फ 5 चुटकी आपको राख को उसके अंदर बांध लेना है, पीले धागे से उस पोटली को बांधकर आपको उस जगह रखना है जहां आपने अपनी पुस्तकें रखी हैं। छोटे बालकों के लिए उनकी माएँ यह काम अवश्य कर लें। जो बालक लगातार जिद्दी हुए जा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है या पिछड़ रहे हैं पढ़ाई में, नंबर पहले से आधे रह गए हैं, इन सब सारे ही जितने भी व्यवधान आ रहे हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए कर लें ये उपाय। छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, यह उपाय कर लें और यह पोटली आप वहां रख दें जहां पर पढ़ने की जगह है बालक की, और विद्यार्थी स्वयं यह काम करें कि इस पोटली को जहां पढ़ने की जगह है, जहां डेस्क है उनकी पढ़ने की या रैक है जहां किताबें रखते हैं, वहां पर रख दें। जय माँ सरस्वती का जाप जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठे उनकी माएँ करें, जो बच्चे छोटे हैं और विद्यार्थी जो परीक्षा के लिए जाते हैं वह स्वयं जय माँ सरस्वती का जाप करने के बाद ही बैठा करें पढ़ाई को, उनको जरूर सफलता मिलेगी, नंबर अब आपके बढ़ जाएंगे, ऐसा कर ले मित्रों। और यदि फायदा मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखकर जरूर धन्यवाद दें। होली का त्यौहार आप सभी के लिए खुशियाँ लाए, इस साल आप सफलता की ओर बढ़ें, ऐसी कामना के संग आज यही विदा लेता हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।